अभी हम जिस चूतिये को देख रहे हैं उसका नाम है झिंगुर। वो बस में चढ़ता है लेकिन उस चुलबुली झिंगुर को कोई भी सीट नहीं देता। हम देखते हैं चुरली को जिसे वो बहुत पसंद करता है लेकिन उसकी औकात ही नहीं कि वो उससे जाकर बात करे। उसके साइड में जो बैठा है वो उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है नेवला। तभी एक कालिया उसको उसका पिछोंडा टिकाने के लिए सीट दे देता है। दरअसल ये कालिया और कोई नहीं उसका इकलौता सच्चा दोस्त है। जिसके बाद वो एनिमल जेनेटिक लैब पहुँचते हैं जहाँ पर हमें बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं जिनमें से एक हमारा झिंगुर भी है। लैब में फोटोग्राफी करना बैन है। चुरली को अकेला पाकर वो उसके पास जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए सफेद तोते की फोटो लेने लगता है जिससे वो बूढ़ा तोता जल जाता है। वो उस तोते की आग बुझाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करता है जिससे वो तोता जाकर नेवले के सर पर लगता है। नेवला उसकी जमकर पिटाई करने ही वाला था तभी यहाँ पर उसका चाचा आकर उसे रोक लेता है जो कि इस जेनेटिक लैब को फंड कर रहा है। तभी चाचा को खांसी आने लगती है और वो सूर्यवंशम वाली खून की उल्टी कर देता है। चाचा के जाने के बाद नेवला झिंगुर से बदला लेने के लिए उसे धक्का मारता है जिससे वो जानवरों की फूलों जैसी सुगंधित टट्टी पर जाकर गिरता है। उसको गुस्सा आ जाता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं आता क्योंकि गोबर को टट्टी से क्या ही फर्क पड़ेगा। झिंगुर अपने ऊपर लगी टट्टी को साफ करने के लिए पानी समझकर चमगादड़ की आंड और भालू की गांड से बना केमिकल खुद पर छिड़क लेता है जिससे सभी जानवर झिंगुर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। दरअसल वो केमिकल मेल जानवरों को फीमेल की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है यानी कि ड्रैगनफ्लाई आता है जो कि झिंगुर को उसकी गर्दन पर काट लेता है। आगे जैसे ही डॉक्टर लैब का गेट ओपन करता है तभी और भी बहुत सारे जंगली जानवर दौड़कर झिंगुर से चिपकने लगते हैं। ये सब देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। झिंगुर रात में हारा थका गिरते संभलते अपने घर पहुँचता है। दादाजी उससे कहते हैं मछलियों को खाना खिलाना मत भूलना। झिंगुर फिश टैंक में उल्टी कर देता है जिसके बाद वो अपने रूम में पहुँचता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर और उनकी टीम ने कई सालों से तपस्या करके एक मशीन बनाई है जो कि भयंकर से भयंकर बीमारी को भी ठीक कर सकती है। चाचा उस मशीन में बैठ जाते हैं क्योंकि वो भी एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। डॉक्टर कहता है सर ये मशीन अभी अच्छे से टेस्ट नहीं की गई है यानी कि इसमें अभी कुछ कमियां हैं। तभी चाचा बोलते हैं चूतिए ज्ञान मत फैल मशीन स्टार्ट कर। मशीन चालू कर दी जाती है। वो अपनी पावर चाचा को देने लगती है। अब उसके अच्छे से टेस्ट नहीं किए गए थे तो वो ओवरहीटेड होकर ब्लास्ट हो जाती है। तभी चाचा के पास एक आदमी आता है जो कि इस एक्सपेरिमेंट को फंड कर रहा था। वो कहता है चूतिए तुझे तो मैं गांड पर लात मारकर यहाँ से निकालूंगा। चाचा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी सारी जवानी को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है जिससे वो बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता है। झिंगुर पूरे 5 दिन बाद होश में आया है। वो उठते ही चुरली को देखने लगता है जो कि उसके घर के बगल में ही रहती है। वो अपने कॉलेज पहुंचता है जहां पर डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग को बुलाया गया है ताकि वो बच्चों को मोटिवेट कर सके और ये दिखा सके कि वो इंसान जो कि हिल नहीं सकता चल नहीं सकता वो आज कितना आगे है। जिसके बाद ना जाने हमारा झिंगुर क्या कर रहा था कि उसके हाथ वॉश बेसिन से चिपक जाते हैं। वो अपने हाथों को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है जिससे वो सीधा नेवले के सर पर लगता है। नेवला बोलता है डब्बे में डब्बा डब्बे में दूध मारूंगा इतना बन जाएगा भूत। वो उसे एक घुसंड मारता है लेकिन वो बच जाता है। अब अपने आप को बचाने के लिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ एक प्रोफेसर के कपड़ों से चिपक जाते हैं जिससे वो प्रोफेसर के सारे कपड़े फाड़ देता है। आगे उसके हाथ एक और प्रोफेसर की ब्रेस्ट से चिपक जाते हैं जिससे सभी को पता चल जाता है कि प्रोफेसर ने काली बरा पहनी है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और अब तक हमारे झिंगुर को पता चल चुका था कि उसके पास सुपर पावर है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और दीवार पर चढ़ने लगता है जहाँ पर वो हमें फालतू के सस्ते स्टंट दिखाता है। तभी वो देखता है 700 करोड़ साल पहले धरती पर रह रहे डायनासोरों से भी 5 साल बड़ी नौजवान बुढ़िया सड़क क्रॉस कर रही है। हम एक ट्रक को देखते हैं जिसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। झिंगुर को अब हीरो बनना था तो वो सीधा जाता है और नौजवान बुढ़िया को धक्का देकर खुद ट्रक के सामने आ जाता है। ट्रक का कबाड़ा हो जाता है क्योंकि वो अब एक सुपर पावर सुपरमैन जो था। जिस नौजवान बुढ़िया को उसने धक्का मारकर बचाया था वो एक घास काटने वाली मशीन में जाकर गिरती है। अब उसमें हम क्या ही कर सकते हैं जब झिंगुर की किस्मत गधे के लोड़े से लिखी गई है। वो अपने घर पहुंचता है। दादाजी उस पर गलती से नीडल थ्रोवर गन से फायर कर देते हैं। झिंगुर उसको अपने हाथ से ही रोक लेता है। दादाजी पूछते हैं तुमने ये कैसे किया, तुम तो नालायक हो, गधे हो, चुलबुली चूतिया हो, चूतियों के प्रधानमंत्री हो। वो कहता है बस दादाजी मैं इतना भी चूतिया नहीं हूँ, मेरे पास अब सुपर पावर है, चाहे तो आप अजमा लो। दादाजी उसके पेट में चाकू घुसा देते हैं लेकिन झिंगुर को घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जब हमारा सस्ता स्पाइडरमैन छोटा बच्चा था। तब कुछ गुंडे उसके मोम और डैड पर हमला कर देते हैं लेकिन उसकी चूतिया हरकतों की वजह से उसके मोम और डैड मारे जाते हैं। डैड मरते वक्त उसे अपने खानदान की विरासत देते हैं जो कि एक जंग लगी अंगूठी है और झिंगुर की तरह ही वाहियात और बेकार है। कहानी उस वाहियात से फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट में आती है। वो उस रिंग को फेंक देता है लेकिन वो रिंग सामने टकरा कर उसी को लग जाती है। तभी वहाँ पर चुरली आती है। वो दोनों कुछ फालतू की बकवास करते हैं जिसमें वो कहती है मैं नेवले को इतना कुछ खास पसंद नहीं करती लेकिन ना जाने फिर भी क्यों मैं उसे डेट कर रही हूँ। तभी वहाँ पर नेवला अपनी महंगी लाल
विशाल कार लेकर पहुंचता है। झिंगुर कहता है, वाओ सच अ नाइस कार। चुरली कहती है, तुम भी जब मुझे डेट पर लेकर जाओ तो ऐसी ही महंगी कार में लेकर जाना। महंगी कार का नाम सुनते ही वो पीछे मुड़ता है, जहां पर उसकी साइकिल उसके अरमानों की तरह बिखर जाती है। अगले दिन वो अपनी दादी के साथ बैंक में कार लोन लेने के लिए जाता है। मैनेजर कहता है, तुम बेकार हो, बेरोजगार हो, तुम्हें कार लोन नहीं मिल सकता। इतने में ही एक रोबर बैंक में चोरी करने के लिए घुस आता है। वो बैंक लूटकर वहां से भागने लगता है। हमको लगता है कि हमारा सस्ता स्पाइडरमैन अब कुछ करेगा, लेकिन वो उल्टा दरवाजा खोलकर लुटेरे की मदद करता है। मैनेजर कहता है, तुम चूतिए ने उसे रोका क्यों नहीं? वो कहता है, मैं बेकार हूँ ना इसलिए। तभी बाहर से गन फायर की आवाज आती है। झिंगुर दौड़कर बाहर पहुंचता है। उसे पता चलता है कि वो रोबर उसके दादाजी के प्राण पखेरु उड़ाकर निकल लिया। दादाजी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। हम चाचा को देखते हैं, जिसकी एनर्जी डाउन हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वहां पर उसकी वाइफ आती है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसकी सारी जवानी खींच लेता है, जिससे उसकी वाइफ की वही मौत हो जाती है। रात में झिंगुर सड़कों पर पागल कुत्तों की तरह घूम रहा था। तभी व्हील चेयर पर एक और पागल आता है, जो कि उसे एक वाहियात से स्कूल में ले जाता है, जहां पर झिंगुर के जैसे ही वाहियात सुपर पावर वाले बहुत सारे बच्चे हैं। अब पता नहीं डायरेक्टर ने ये मूवी गांजा फूंक के डायरेक्ट की थी क्या। खैर छोड़ो, डायरेक्टर की माँ की चू। आगे वो अपने लिए एक सूट बनाता है और बन जाता है झिंगुर मैन। उसका चूतिया बावली गांड कालिया दोस्त उससे पूछता है कि तू इस सूट में सांस कहाँ से लेगा। तभी उसकी सांस घुटने लगती है और वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो इस शहर से क्राइम को खत्म करने के लिए एक बिल्डिंग की ऊंचाई पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पर एक और फालतू का सुपर हीरो आता है। वो कहता है, जगह खाली कर बेगदर गांडू, क्योंकि ये मेरी जगह है। झिंगुर उससे उसकी सुपर पावर पूछता है। वो उसे अपनी सुपर पावर दिखाता है, जो कि बिल्कुल उसी की तरह वाहियात और बेकार थी, जिससे वो खुद भी जलने लगता है। उसकी आग बुझाने के लिए झिंगुर उस पर पानी फेंकता है, जो कि दरअसल डीजल था, जिससे उसकी आग और बढ़ जाती है। वो नीचे गिर जाता है और उसका राम नाम सत्य हो जाता है, जिसके बाद वो उसकी पर्सनल सीट ले लेता है और शहर से क्राइम को कम करने लगता है। देखते ही देखते वो इतना फेमस हो गया था जितना किसी ने सोचा ना होगा। तभी एंट्री होती है मूवी के मेन विलन की, जिसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। दरअसल ये सुपर विलन और कोई नहीं, चाचा चूतिया ही है, जो कि लोगों को छूकर उनकी जवानी चूस लेता है। वो पुलिस फोर्स पर हमला करने ही वाला था, तभी वहां पर झिंगुर आ जाता है। वो उसे एक बढ़िया सा पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और इन दोनों में फाइट चालू हो जाती है। सुपर विलन उस पर बाबा जी के लट्टू से हमला करता है, जिससे झिंगुर घायल हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। झिंगुर अपने घर पहुंचता है, जहां टीवी पर न्यूज चल रही थी कि हमें किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है और ज्यादा पुलिस फोर्स की। आगे कुछ गुंडे आकर चुरली को छेड़ने लगते हैं। तभी झिंगुर भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि जब तक वो अपनी मूवी की हीरोइन को नहीं बचाएगा, तब तक वो काहे का सुपर हीरो। वो उसे बचा लेता है, जिसके बदले चुरली उसे चूसने लगती है। झिंगुर का घोड़ा खड़ा हो जाता है, तो वो मुठ मारने के लिए वहां से भाग जाता है। हम चाचा द सुपर विलन को देखते हैं, जो कि बहुत सारे इंसानों को मार चुका है। अब उसे कुछ और करना पड़ेगा, नहीं तो वो पुलिस वालों की नजर में आ जाएगा। इसीलिए वो एक खतरनाक और बेरहम प्लान बनाता है। हम घर पर देखते हैं, जहां पर सभी लोग डिनर कर रहे थे, और तो और यहां पर चाचा चूतिया भी मौजूद थे। वो झिंगुर के हाथ में लगी चोट का निशान देखते हैं और समझ जाते हैं कि यही झिंगुर मैन है, जिसके बाद वो यहां से गुस्से में उठकर चला जाता है। झिंगुर और चुरली दोनों आपस में रोमांटिक सीन बनाने की सोचते हैं। तभी चाचा अपने सुपर विलन वाले भेष में वहां आ जाते हैं और झिंगुर से कहते हैं कि मैं यहां तुमसे फाइट करने नहीं आया हूं, बस इतना कहने आया हूं कि तुम अब से मेरे काम में अपनी नाक मत अड़ाना। झिंगुर एक लोहे की गेंद उठाकर उसका मुंह तोड़ने के लिए उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन आप सभी को तो पता ही है कि झिंगुर की किस्मत गधे के लोड़े से लिखी गई है। वो गेंद आकर उसी के सर पर लगती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सुपर विलन दादी के थोपड़े को भींचकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। दादी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि दादी की मौत हो चुकी है। हम दादाजी को देखते हैं, जो कि अब बिल्कुल सही और सुरक्षित हैं। आगे दादी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। चुरली झिंगुर के पास आती है। झिंगुर उदास था, तो उससे कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं झिंगुर नकली दाढ़ी लगा के बैठा है और वो अब बस घर में ही पड़ा रहता है। तभी वहां पर उसका दादाजी और उसका चूतिया दोस्त आता है। वो कहता है, उठ जा, जमाने को तेरी जरूरत है। दादाजी भी कुछ फालतू के मोटिवेशनल भाषण देते हैं, जिन्हें सुनकर झिंगुर तैयार हो जाता है। वो टीवी पर सुनता है कि एक प्रोग्राम होने वाला है, जो कि एक अवार्ड शो है। ये सुनकर झिंगुर समझ जाता है कि वो सुपर विलन वहां पर जरूर आएगा, जिसके बाद वो तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो एक बौद्ध भिक्षु को सुपर विलन समझकर बढ़िया से कूटने लगता है। वो उसे इतना कूटता है कि उसके कपड़े तक फट जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर हाहुल्लड़ और भगदड़ मच जाती है। आगे आता है हमारा चूतियों का सरदार सुपर विलन। वो एक बम निकालता है और उसे छत पर चिपका देता है, जिससे
छत टूटकर सीधी झिंगुर मैन पर गिरती है। झिंगुर मैन उसके नीचे फंस जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो एक बाबा जी का लट्टू उसकी तरफ फेंकता है। तभी बीच में चुरली उसको बचाने के लिए कूद पड़ती है। झिंगुर उसके पेट से वो जानलेवा लट्टू निकालता है और फेंक देता है, लेकिन वो लट्टू फिर से वापस आकर उसके पेट में घुस जाता है। सुपर विलन वहां से भागकर छत पर पहुंच जाता है, जहां से वो लोगों की जवानी छीनने लगता है। उसे रोकने के लिए झिंगुर भी वहां पहुंच जाता है। सुपर विलन उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंकता है, जो कि उसकी बच्चे पैदा करने वाली मशीन पर जाकर चिपक जाता है। अब ये झिंगुर के लिए डू और डाई रेड थी, तो वो इसका पूरा फायदा उठाता है। बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से सुपर विलन के चीथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन हमारे झिंगुर मैन को कुछ नहीं होता। तभी मुझे बचाओ की आवाज आती है। झिंगुर बिल्डिंग से छलांग लगाता है और चुरली को बचा लेता है। चुरली उसके हाथ में वो रिंग देखकर समझ जाती है कि ये तो अपना पड़ोसी झिंगुर है। वो दोनों किस करते हैं, जिसके बाद ये वाहियात कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।